नमो बुद्धाय, मैं विक्रम, आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। पकड़िए पैर। मैंने पैर बोला, सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, अपना विहार अपनी आवाज। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पदुठेना भासति वा करोति वा तदोनं चा सुखमन्वेति चा छाया अपायिनी। मन अच्छे और बुरों का फल तो जरूर है, परंतु जो मनुष्य अपने मन में कुशल विचार लेके जीवन में चलता है और कुशल ही कुशल सोचता है, उसके पीछे कभी ना साथ छोड़ने वाली छाया ऐसे ही हो लेती है जैसे बुद्ध परोगामी साथ। जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं अपना विहार अपनी आवाज इस कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हमें प्रज्ञाशील बुद्ध विहार में जो आता है रानी भोसले नगर नागपुर महाराष्ट्र में, तो देर नहीं करते आइए चलते हैं सीधे इस विहार में। दर्शकों, इस वक्त हो चला है त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का, तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। Bye.
दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा। अब अपना विहार अपनी आवाज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपका इंतजार कर रही है प्यारी सी बोध कथा। तो बने रहें आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना विहार अपनी आवाज। पकड़िए पैर, मैंने सबको पैर पकड़ने का बोला दर्शकों, और सबने अपने कान पकड़े हैं। मार्ग सुखाचा दाविला। शुरुआत कौन से साल में हुई थी किसको पता है? हाथ ऊपर करें, आ जाए आप यहाँ पे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज इस कार्यक्रम में। दर्शकों, इस वक्त हो चला है बोध कथा सुनने का, उसे श्रवण करने का और उसमें से एक अच्छी सीख लेकर उसे अपने जीवन में उतारने का। तो आइए देर नहीं करते हैं, सुनते हैं आज की ये बोध कथा। दर्शकों, दो मित्र एक जंगल से जा रहे थे और अचानक एक नदी उन्हें नजर आती है। दोनों के मन में विचार आता है कि क्यों ना इस नदी में नहाने का लुफ्त उठाया जाए, और दोनों ये बात से अनजान होते हुए कि वो नदी कितनी गहरी है, कितनी भयानक हो सकती है, ये सीधे उसमें कूद जाते हैं और नहाना शुरू करते हैं। अचानक नदी का बहाव बढ़ जाता है और एक मित्र उनमें से बहना शुरू हो जाता है। दूसरा दोस्त उसे बचाने का काफ़ी प्रयास करता है और वो तैरकर बाहर आता है और एक लकड़ी का कट्ठा जो कि इस साइज का होता है उसे फेंक देता है ताकि उसके दोस्त को बचाया जा सके। उसका मित्र भी खूब प्रयास करता है पर वो उस तक नहीं पहुंच पाता है। कई लोग जमा हो जाते हैं और यही कहते हैं कि यह बचना नामुमकिन है, यह अब भी बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ है, अब इसे बचा नहीं जा सकता। होता यह है कि सब लोग हताश हो जाते हैं और उसका मित्र रोने लग जाता है कि अब वो उसके मित्र को खो चुका है। थोड़ी ही देर बाद एक भंते जी उसे नजर आते हैं जिसके साथ एक युवा नजर आता है, और पास आने के बाद उसे पता चलता है कि वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि उसका मित्र है। सभी को आश्चर्य होता है कि ये कैसे संभव हो पाया। तो भंते जी सभी की समस्या का समाधान करते हैं और बताते हैं कि जब डूबने को था तब आप में से कोई भी उस वक्त वहाँ पर नहीं था, ये कहने के लिए कि आपका बचना बहुत मुश्किल है, शायद आप बच नहीं पाओगे, ये नामुमकिन है। दर्शकों, इसी तरह जिंदगी में हमें कई लोग हतोत्साहित करने वाले मिलते हैं, प्रोत्साहित करने वाले कम मिलते हैं। कई बार हम ये मान लेते हैं कि ये चीज़ होगी नहीं। बहुत से लोग हमारे मन में ये कह देते हैं कि फला फला कॉम्पिटिशन तो बहुत टफ है, इसमें आप कर ही नहीं पाओगे, बड़े बड़े लोग इस स्पर्धा में फेल हो चुके हैं। लेकिन ये एक मानसिकता अपनी बन जाती है कि यार ये बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो हम क्यों कर पाएंगे। और उस युवक ने अगर ये सोच लिया होता, अगर इसी तरह की मानसिकता वाले लोग अगर उसके सामने होते तो शायद वो पार नहीं कर पाता। लेकिन जब उसके सामने कोई विकल्प नहीं था तो उसे सिर्फ वही लकड़ी का कट्ठा नजर आ रहा था और उसे सिर्फ एक ही था कि मुझे बचना है, और वो बच गया। तो दर्शकों, इसी तरह आपके सामने जब मुश्किलें आए तो ये मत सोचिए कि ये तो बहुत मुश्किल है, शायद कोई नहीं कर पाया तो मैं भी नहीं कर पाऊँ। तो ये डर अपने दिमाग से, अपने दिल से निकाल दीजिए और आपका सभी मंगल होगा। तो दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बोध कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई अच्छी सी बोध कथा है या अच्छे से विचार हैं तो आप ये जो नीचे नंबर चल रहा है ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमें अच्छी अच्छी कथाएं भेज सकते हैं, और अगर वो कथा हमें पसंद आती है तो हम उसे हमारे इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। अब वक्त हो चला है विहार को और अधिक जानने का, तो आइए उपासक उपासिकाओं से हम जानते हैं कि विहार की निर्मित किस तरह से हुई, किस तरह से ये विहार अभी कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य भविष्य में किया जाने वाला है, आइए जानते हैं। मेरा नाम चांता सोपान दुपारे। 83 में ये जगह में कुछ भी नहीं था, 1983 में हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ की बस्ती, पूरी बस्ती एक एक करके यहाँ से हम बैठे हैं, और ये मूर्ति बिठाने का मकसद वासनिक नाम एक व्यक्ति था, उसने ये जगह के लिए बहुत ताकत लगाई, सब मिलजुल कर यहाँ हमने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके यहाँ छोटी सी मूर्ति बनाई, और ये जगह का शुरुआत 1913 में समाप्त हुई, और ये जगह के उद्घाटन, विहार का उद्घाटन 1913 में ही हुआ था। मेरा नाम
शोभा योगदास बेले है। हमारा प्रज्ञाशील बुद्ध विहार में रोज 7 बजे वंदना होती है और जो साल भर में जो 4 कार्यक्रम आते हैं जैसे सावित्रीबाई फुले, 14 अप्रैल धम्म चक्र प्रवर्तन दिन, 6 दिसंबर ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं वो इस विहार में हम लोग चारों कार्यक्रम करते हैं। और जो रोज 7 बजे जो वंदना होती है तो कुछ कोई बाई आगे पीछे हो भी गई या मतलब कुछ पैसे पानी का भी कुछ कम ज़्यादा हो गया तो हम लोग इस घर में जाकर सब मैत्री करके हम एक में के बाई को बुला के लाते हैं और अच्छे से अच्छे ढंग से हम लोग इस विहार में चार ही कार्यक्रम अच्छे तरीके से निभाते हैं। मैं सुरेखा मधुकर कुंभारे इस विहार में प्रति और ये विहार का प्रतिशत आगे बढ़ाना है। बच्चे लोग को अच्छे संस्कार और शिविर, रक्तदान ऐसे कुछ संस्कृति कार्यक्रम ऐसे लेना है और विहार का नाम रोशन करना है। दर्शकों, एक बार फिर से गेम के लिए मैदान सज चुका है और सारे खिलाड़ियों के रूप में उपासक उपासिका हमारे साथ मौजूद हैं। हम खेलने जा रहे हैं गेम जिसका नाम है भीम का दीवाना। हाथ, पैर, नाक, कान और सर, ये कहाँ है सबको पता है। इन्हीं में से किसी एक चीज को मैं जिस चीज को कहूंगा उसे छूकर दिखाना है। क्या कहा, बहुत आसान है? जी हाँ, बहुत आसान है, लेकिन सुनने के लिए और कहने के लिए। अब देखना, ये एक ट्विस्ट और भी है, इन्हें जयभीम 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 ऐसा बोलते रहना है और मैं जिस चीज को कहूँ उस चीज को छूकर दिखाना है। सबसे पहले हम एक ट्रायल लेते दर्शकों, ये सब लोग नॉर्मल है कि नहीं एक बार चेक कर लें। सर को हाथ लगाएं, नाक को हाथ लगाएं। दर्शकों, आपने देखा सभी नॉर्मल है और इन्होंने बड़ी आसानी से करके दिखाया है। अब देखना ये है क्या अब ये कर पाएंगे क्या। आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, मैंने सबको पैर पकड़ने का बोला दर्शकों और सबने अपने कान पकड़े हैं। देखा दर्शकों क्या हुआ, किसी के समझ में नहीं आया। कहा था पैर पकड़ने के लिए और सबने अपने कान पकड़े हैं। यहाँ भी वही हुआ जो अब तक होता आया है और ये जादू है हमारे बाबा साहब का। जब हम जय भीम कहते हैं, मैं फिर कहूँगा और हमेशा कहता रहूँगा कि हम उस जय भीम नाम में खो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता हमारे पैर कहाँ हैं और कान कहाँ हैं। तो आज भी इस गेम में हमें कोई भी विनर नहीं मिला है और ये जादू बरकरार रहेगा क्योंकि जब तक के बाबा साहब है, बाबा साहब का नाम है और ये दुनिया है, तब तक ये जादू कभी कम नहीं होगा। दर्शकों, इस वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार। आपसे कौन मिलेगा ये तो समय तय करता है, लेकिन किससे मिलना है, किससे किस तरह व्यवहार करना है ये आपका दिल तय करता है और किसके दिल में जगह बनेगी ये आपका व्यवहार तय करता है। तो अपना व्यवहार अच्छा रखें ताकि आप सबके दिलों में राज कर सकें। इसी प्यारे से विचार के साथ अब वक्त हो गया ब्रेक का। बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। मार्ग सुखाचा दाविला। शुरुआत कौन से साल में हुई थी किसको पता है, हाथ ऊपर करें। आ जाए आप यहाँ पे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। इस वक्त हो गया है बहुत सारी आवाजों को सुनने का, यानी कि सामूहिक गीत सुनने का। तो आइए मिलकर गाएं, यानी कि इस वक्त प्यारा सा गीत सुने। आज ही प्रथम वंदना सिद्धार्थ गौतमाला या दुखी मन वाला मार्ग सुखाचा दाविला या दुखी मन वाला मार्ग सुखाचा दाविला जन कल्याण करीता त्याने सुख विली काया
पाट पोट एक झाले अन्न वाटे से खावया पाट पोट एक झाले अन्न वाटे से खावया रक्त सुकुनिया गेले साठा सुकुनिया गेले साठा हाडाचा राहिला या दुखी मनावाला मार्ग सुखाचा दाविला। दर्शकों, इस वक्त अपना विहार अपनी आवाज में वक्त हो गया है सवाल और जवाब का। देखना ये है कि इस विहार में, जिस विहार में सालों से आ रहे हैं, इसी विहार के बारे में ये कितना जानते हैं, यही जानने का प्रयास हम इस सवाल और जवाब में करने जा रहे हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि इस विहार की नींव कब रखी गई थी, इसकी शुरुआत कब की गई थी, कौन से वर्ष में की गई थी। जब ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक मूर्ति रखी गई थी पुरानी, वो कौन सा साल था, किसको पता है, सिर्फ हाथ ऊपर करें, आपस में ना बोले, किसको पता है, हाथ ऊपर करें। शुरुआत कौन से साल में हुई थी, किसको पता है, हाथ ऊपर करें। आ जाए आप यहाँ पे। इस विहार की शुरुआत 85 से शुरू हुई थी, नवद में ये मूर्ति बैठी, तब से ये 84 का मुझे बताया गया है, 84-85 लगभग। तो इनका जवाब लगभग सही है, जोरदार तालियां। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि इस विहार का नूतनीकरण कब किया गया, ये जो अभी विहार बनाया नया, ये कौन से वर्ष में पूरा हुआ, वो वर्ष कौन सा है, ये कौन बता सकता है, सिर्फ हाथ ऊपर करें। ये जो अभी नया विहार बना है, ये कब बनकर तैयार हुआ है, सिर्फ हाथ ऊपर करें। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका सही जवाब आ जाए, पर कोशिश तो कर सकते हैं। आ जाए आप यहाँ पर। 94-95 में नूतनीकरण का कार्य हुआ। जी नहीं, और कोई प्रयास करना चाहता है। दर्शकों, इस विहार का नूतनीकरण 2003 में हुआ था, जोरदार तालियां। अब मेरा अंतिम सवाल है कि यहां पर महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की एक छोटी सी प्रतिमा है, साथ ही विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब की भी एक छोटी सी प्रतिमा खड़े कद की यहाँ पर है। इन दोनों की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी, एक साथ की गई थी, वो कौन सा वर्ष था, ये कौन बता सकता है, हाथ ऊपर करें। आ जाए आप यहाँ पे। 2014। जी नहीं, ये जवाब गलत है, आप रुक सकते हैं। इसकी स्थापना मैं बता दूं दर्शकों आपको कि 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। तो दर्शकों, ये था सवाल और जवाब का राउंड, जिसमें हमने 3 सवाल पूछे और बड़ी मुश्किल से एक सवाल का सही जवाब मिला, 2 आसपास लगभग पहुंचे थे। हम आपके विहार में भी आने वाले हैं, तो अपने विहार के बारे में जितनी अधिक जानकारी ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो जो परिस्थिति यहाँ हुई थी। दर्शकों, इस वक्त हम सभी उपासक उपासिकाओं के साथ मिलकर एक शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ क्या है ये मैं आपको बता दूं, जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं शायद उन्हें पता ना हो, तो मैं बता दूं कि हम शपथ लेने जा रहे हैं उस आज्ञा का पालन करने की, जो आज्ञा हमें बाबा साहब ने दी थी, आदेश दिया था, जो आदेश दिया था उस आदेश का पालन करने के लिए हम ये शपथ ले रहे हैं। और वो आदेश ये था जो बाबा साहब ने हमें दिया था कि हर बुद्धिष्ट व्यक्ति को सपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका आद्य कर्तव्य है। तो आइए, इसी आदेश का पालन करने के लिए हम सब शपथ ले रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप सब हमारे साथ मिलकर ये शपथ लें। हम सभी बाबा साहब के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सपरिवार हर रविवार
और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, साथ ही यथाशक्ति धम्म दान करेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम ये शपथ ग्रहण करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ ये शपथ जरूर ली होगी और न सिर्फ ये शपथ ली होगी बल्कि इस शपथ का पालन भी हम पूरे श्रद्धा के साथ करेंगे। दर्शकों, अब वक्त हो गया है अपनी जिम्मेदारी निभाने का। जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ, आवाज इंडिया टीवी आपके लिए इतना कुछ करता है तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आवाज इंडिया टीवी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आप कुछ करें। क्या कहा, क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आवाज इंडिया टीवी को नियमित देखें। दूसरा कि आपके घर पर साल भर में कई लोगों के जन्मदिन होते हैं, शादी की सालगिरह होती है, स्मृति दिवस आते हैं, इनमें से एक भी अगर आप ऐड यानी कि विज्ञापन आवाज इंडिया टीवी पर देते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। और इसी तरह की जिम्मेदारी को निभाया है इस विहार के कई उपासिकाओं ने, तो आइए देखते हैं किन किन ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। मैंने आवाज इंडिया टीवी को 8 देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। आपने निभाई? मैंने आवाज इंडिया टीवी को 8 देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। आपने निभाई? मैंने आवाज इंडिया टीवी को 8 देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? तो दर्शकों, रानी भोसले नगर नागपुर महाराष्ट्र का ये था प्रज्ञाशील बुद्ध विहार, जो आज हमने आपको अपना विहार अपनी आवाज इस कार्यक्रम में दिखाया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये विहार जरूर पसंद आया होगा। दर्शकों, आप भी अपना विहार अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे ये व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर आप हमें अपने विहार का नाम और वहाँ का पता एड्रेस हमें भेजें। साथ ही अगर आपके पास अच्छी सी बोध कथा है, अच्छे से सुविचार हैं जो आप चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में हम शामिल करें, तो अपने नाम और पते के साथ हमें ज़रूर भेजें। अगर आपकी कथा सुविचार हमें पसंद आते हैं तो उसे आपके नाम पते के साथ इस कार्यक्रम में हम ज़रूर शामिल करेंगे। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही। मुझे विक्रम को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे फिर नए विहार में, नई जगह पर फिर से। तब तक आप बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज़।